हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जर्नल साइंस ग्रुप डी रेलवे और रेलवे NTPC की तैयारी के लिए हम स्पेशल आपके लिए जर्नल साइंस लेकर आए हैं। इनमें से आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। कृपया हमारी जो भी वीडियोज़ आए हमारे इस YouTube चैनल यूथ इंडियन पर, वो दोस्तों सभी वीडियोज़ एक बार अवश्य देखिएगा। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण वीडियो ही हमारे इस YouTube चैनल पर हम डालते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप होता है घटता, यानी जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? अति आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ऑक्सीजन भी होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक गैस है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने। बेरी-बेरी रोग किस वैज्ञानिक सॉरी बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। हेजा रोग जो होता है उसका वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। जारावीक सेवन क्या है? जारावीक सेवन है कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन। कौन सा पदार्थ है जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान फारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.4 फारेनहाइट। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ से पाई जाती है? मनुष्य में अधिकतम यूरिया की मात्रा दोस्तों मूत्र में पाई जाती है, यानी पेशाब में पाई जाती है। पाश्चुराइजेशन का अर्थ होता है, पाश्चुराइजेशन का अर्थ होता है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। 62 डिग्री पर जो है जल या दूध को गर्म करना ही होता है दोस्तों। पेप्सिन बदल जाता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसकी हृदय में तीन भाग होते हैं? हृदय में तीन भाग होते हैं मेंढक के। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है, विटामिन B6 की कमी से विटामिन में होता है सॉरी मानव में होता है रक्त अल्पता रोग, रक्त अल्प यानी कम रक्त का रोग। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है और सोते समय घटता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा होता है मैक्सिमम। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का तना भाग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आलू का तना भाग हम खाते हैं। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। वायरस होता है दोस्तों एक दूसरे से यो ट्रांसफर हो जाता है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जहरीला पदार्थ होता है उसे टॉक्सिन कहा जाता है। वेंचुरी मीटर में क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर में जल के प्रवाह की दर। वेंचुरी मीटर में जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एक जीन और एक एंजाइम बिडल वेटिटम ने प्रतिपादित किया। पीएच मान होता है दोस्तों, आपको पता है सोरेंस ने 1906-1909 के आसपास इन्होंने स्थापना की थी। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेंस ने। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा अपरिवर्तित होगा, अपरिवर्तित भार होगा। इस तरह दोस्तों हमने ये 50 क्वेश्चन का अलग अलग भागों में सेट किया था, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी कोई भी वीडियो तो देख लीजिएगा, और दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।